बैठू। इतनी देर से सेवा कर रहा हूँ, दो घंटे तक आप सो तुम यार। पप्पा पुपू कर दी, पप्पा ही रहे। हाय अब आ रहा हूँ। हाय अमरू। बाहर अभी भी गर्मी है यार, हम सोच रहे थे कि काफी मौसम ठंडा हो गया होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा। नीला मौसम है, पर इसका मतलब थोड़ा ठंडा। नीला का है आज तो, नीला भी नहीं है आज तो पीला है। एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है आपको मयंक? क्या प्रॉब्लम? क्या भाई, मैंने अभी लिए थे 5-6 जोड़ी जूते, उसमें से मैंने अब तक सिर्फ एक पहना ब्लैक जो आपने दिया था, बाकी जो खुद खरीदे भी नहीं पहन पा रहा, क्योंकि भैया कीचड़ से डर लगता है खराब होने से। अब तक टैग लगे रखे हुए। तुम तो गाड़ी से निकलते हो, गाड़ी से। अरे भैया गाड़ी से निकले कहीं ना कहीं तो उतरना ही पड़ता है, खराब होते भैया कीचड़ लग जाती है। जब मेरी शादी थी यार गाइस, तो मैंने उस टाइम पे काफी सारे शूज लिए थे, शादी के तो लिए ही थे, उसके अलावा मेरे काफी सारे शीन के पेंडिंग रखे हुए हैं जो आज तक कोरे हैं और जिन्हें मैं पहन नहीं पाई जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी। सो अब वो पहने कब जाएंगे, क्योंकि अभी बेबी को कैरी करने में भी हील्स में नहीं पहन सकती हूँ, वेजेस काइंड ऑफ थिंग्स पहन सकती हूँ बस। तो देखो मैं कब पहनती हूँ। क्या चाहिए? थोड़ी सी आइसक्रीम चाहिए। ऊपर की सारी तुमने खाई है? नहीं, मैं सिर्फ चॉकलेट खाई है। हमें चोचड़ा चटा के खाऊंगा। ये लो खालो, दे दो ना, देखो प्लीज, इतनी सी चॉकलेट ही दो। नीचे की मांगूंगी, नीचे की इतना हिस्सा। मुँह खोलो, नीचे की बाइट कर लो, खोल के। ठीक है। Hi guys, welcome back to my channel. Shasha's vlog. Shasha's vlog. हम घर आ गए डॉक्टर को दिखा के, and I'm very very fine. Kasper. नहीं first cry. No no. Kasper चलो पर Kasper. छे. एक टाइम पे से Amazon था, अब से first. हाँ पहले Amazon. Baby हेलो first cry से first baby हेलो first cry. यार हम बच्चे से हम जो. अरे बता रहा बस बता रहा हूँ. तो मेरे लिए तो बहुत important है, मैं तो मेरा सपना था मेरी बेटी हो, तो मैं ये खरीदूंगी वो खरीदूंगी, उसे डॉल बना के प्रिंसेस बना के रखूंगी, तो वो सपने मैं पूरे कर रही हूँ। Hey guys, being a mother, और आप कह सकते हो न्यू मॉमी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेबी के लिए आपको हमेशा यू नो स्टॉक में रखनी पड़ती है, और कुछ बहुत ही असेंशियल चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ असेंशियल चीज़ शेयर कर रही हूँ बेबी की, जो मैंने बाय की है मीशो से। जी हाँ, मीशो इज़ अ इंडियाज फेवरेट शॉपिंग ऐप टू बाय टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट एट द लोवेस्ट प्राइस एवर, ट्रस्टेड बाय 1 करोड़ यूजर अक्रॉस इंडिया। मीशो पे 50 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है चूज़ करने के लिए, बहुत सारी कैटेगरीज है। और अगर आप मेरे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से मीशो ऐप को डाउनलोड करते हो और अपनी फर्स्ट शॉपिंग करते हो, तो आपको मिलेगा 100 रुपीज़ का ऑफ या फिर 30% ऑफ आपके फर्स्ट ऑर्डर पे। ऑल्सो गाइज, मीशो पे स्टार्ट हो रही है महा इंडियन शॉपिंग लीग, 6-9 अक्टूबर तक ये सेल रहने वाली है। ये मीशो की सबसे बड़ी सेल है, द बिगेस्ट सेल, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, अप टू 70% तक का ऑफ आपको मिल रहा है गाइज, एंड लोवेस्ट प्राइजेस हैं, बिगेस्ट सरप्राइजेस हैं। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है एक विंटर ड्रेस, क्यूट मिटन्स और आप सॉक्स कह लो, ये बहुत क्यूट है, वाइट कलर के है। लुक एट दिस, आपको पता ही होगा मेरा बेबी बहुत ही छोटा है अभी, एंड ये परफेक्ट है न्यू बॉर्न के लिए, तो मेरी अभी तो 20 दिन की भी बेटी नहीं हुई है। वुलन की है, नेटेड है, तो इसके लिए अंदर पहनने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वार्मर या समथिंग लाइक दिस इसके लिए मुझे चाहिए। बट ये बहुत क्यूट है एंड इसका प्राइस भी बहुत कम है, मैं स्क्रीन पे दे दूंगी। आपको फ्री डिलीवरी मिलती है आपके हर ऑर्डर पे, COD अवेलेबल है एंड ईजी रिटर्न्स है। नेक्स्ट जो है, मैं आपको हमेशा बोलूंगी ये जो चीज़ें आपकी ख़त्म होनी नहीं चाहिए वो है ये बेबी वाइप्स। तो ये मिमी ब्रांड के हैं, उधर मिमी ब्रांड के थे, और ये भी काफ़ी बहुत ही सॉफ्ट है, बेबी की स्किन बहुत जेंटल होती है, तो उसके हिसाब से मैंने ये पैक ऑफ 5 लिया है। सो ये मेरे को स्टॉक में रखना बहुत ज़्यादा है, इवन मैंने और भी वाइप्स रखे हैं, मुझे बहुत अच्छे प्राइस पर मिल गए थे, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो असेंशियल है वो है ये ड्राई शीट। सो ये जो है डार्क कलर में मैंने ली है, दिस इज हर लुक्स। पीछे से इसमें ऐसे लेदर टाइप का मटेरियल होता है और आगे से बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है, और ये एटलीस्ट आपके पास 4-5 होने चाहिए इतने बड़े साइजेस में, क्योंकि एक बार गीला हो गया तो ऑब्वियसली आप उसे वॉश कर दोगे। तो ये भी कुछ 159 कॉस्ट करता है एंड दिस इज मस्ट हैव फॉर योर बेबी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आइटम मैंने लिया है वो दिस इज वेरी क्यूट, ये है पेंगुइन नेल कटर किट। मेरे बेबी या किसी भी बेबी के नेल्स ग्रो होते हैं तो उसको काटने के लिए बहुत छोटू सा नेल कटर है, बट मेक श्योर कि आपको आना चाहिए, अदरवाइज इससे भी आप उसे हार्म कर सकते हो। एंड उसका सेपरेट ही रखना चाहती हूँ मैं नेल का, तो मैंने ये उसके लिए लिया। तो ये मैंने 4 आइटम्स लिए थे मीशो से गाइस, जहाँ से आप बाय कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके मैं कोड दे दूंगी। तो मेक श्योर आप इस महा इंडियन शॉपिंग लीग का मजा उठाएं 6-9 अक्टूबर तक। अब व्लॉग एंजॉय करते हैं। सो रही है, फुरफुर कर रही है, नो जी जगी हुई है, जब तो सोइए ना, सैनिटाइजर लगा, जब से सोइए।
किया चौचू कर ली मामा। मेरे अंडर में परमिशन लेके हाथ लगाना बेटू। बेड का मालिक मैं हूँ बेटू। पूछो पहले। आप सब चीज के मालिक हो। नहीं तू ये इसकी मालिक तो, लेकिन तू मुझे देख गई थी ना तो मैं हूँ ना। बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल। आपने कहा ना बेड का मालिक हूँ तो पूछना पड़ेगा। तू मुझे देख गई। बोला पापा ने बोला मैं। मैं कहा तू देख गई थी तो इससे तेरा मालिक मैं हूँ। अब तू वापस ले। ना मेरा मुन्ना। बैठू। इतनी देर से सेवा कर रहा हूँ दो घंटे तक आप भी सो तुम यार। मम्मी नाक नहीं बंद हुई क्या तब से? अभी दवाई डाली है। अभी डाली है। इतनी जल्दी कहाँ ठीक होती है? दो मिनट पहले डाली है। थोड़ा तो बंद थी। अभी डाली है। अच्छा मैं हर टाइम यू नो अपने आप को बीमार बीमार देख देख के ना मुझे इतना अजीब सा लगने लग गया है तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़ा सा ही अपने आप को पैम्पर करने के लिए थोड़ा रेडी करके रखूँगी। ये नाइस पता अच्छी चीज़ है तो उससे मुझे अच्छा लगेगा कि मैं थोड़ी जल्दी रिकवर हो रही हूँ। एक्टिव एक्टिव तो मैंने यहाँ पे लिप बाम लगा लेती हूँ एज अ लिप एंड चिक टिंट है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं और मुझे आज कॉम्प्लीमेंट भी करी थी दीदी। सबसे पहले तो दीदी से याद आया खुशबू दीदी आज मैं अच्छी लग रही हूँ ना। बहुत सुंदर है ना तो मैंने इयर रिंग्स भी पहने मैंने फिर से लिप बाम लगा लिया। और अभी रात के 12 बज रहे हैं हम थोड़ा सो रहे थे और शोन परिया ने पू कर दिया। क्या कर दिया? पू। और अंगड़ाइयाँ तोड़ रही है अभी आँख नहीं खुली इसकी। इसका कुछ पता नहीं होता है कब पॉटी करती है कब भूखी हो जाती है। मम्मी गई हैं अभी हम इसको दूध पिलाएंगे पहले उससे पहले पॉटी साफ कर दें क्योंकि ये पॉटी करके बता देती है कि मैंने पॉटी करी है। तो यही तो चल रहा था यार। पकड़ देखो पुप्पा बस तेरा बहुत हो गया पुप्पा पुप्पा बेटा। छोटा बाबू देखो ये बुआ का बेबी है। हाय अमायरा हूँ। हाय अमरू। ये डीजे इसको डिस्को को मुझे बुचड़ गया। ऑलराइट गाइस सो ये था मेरा आज का व्लॉग। अभी मैंने पहली बार मतलब आफ्टर डिलीवरी पहली बार मैं इस तरीके से रेडी होके बैठ के एक शूट कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज 15-16 days हो गए हैं और मैं एंड नहीं कर पाई थी व्लॉग का क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। सो या आई होप आपके लिए व्लॉग हेल्पफुल रहा होगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं बेटू के साथ ही व्लॉग्स कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा बट अभी जितनी मेरी कंडीशन थी उस हिसाब से मैं कर पाई बट मेरे को वीडियोज़ बनाने लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो मैंने स्टार्ट कराए काम 16 डेज के बाद घर पे ही आराम से रह के। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड लव। और आप अब मायशा का इंस्टा पेज चेक कर सकते हो मायशा 2109 ऑफिशियल नीचे दे दूंगी मैं। ओके बाय गाइस टेक केयर आई लव यू।